लेकिन उन्होंने लड़ाई करके कृष्ण के पास में आए, और जो कृष्ण जब भातरोल में जब उन्हें सखाओं को बोले जाकर के भिक्षा मांग करके लाओ, जब सखाओं ने जाकर के दिव्य पत्नी को बोले कृष्ण पास में आए हैं भूखे कुछ खाना मांग रहे हैं, जब पत्नियां आ रही थी उनको पति और बच्चे लोग बिगड़ गए उनको घर में, बोले घर से बाहर निकालूंगा ना टांग तोड़ दूंगा घर से बाहर निकलोगे, लेकिन उन लोगों ने सारी बाधाओं को दूर करते हुए उन्होंने जब कृष्ण के पास में आए तो भगवान कहते स्वागतम मे महाभागा, जगत में तुम लोग सबसे बड़े सौभाग्यवान हो जो कि सारे बंधन को तोड़ करके तुम लोग मेरे पास में आए हो। इसलिए भगवान केवल दो बार ये स्वागत शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे गुरु जी कहते हैं आप लोग जो कथा में आए ना ठाकुर जी भी आपको स्वागत करते हैं। बोले क्यों, आप सबके घर में कुछ ना कुछ काम होएगा, ऐसे नहीं जो घर में किसका काम नहीं होगा, सबके घर में कुछ ना कुछ काम होएगा, लेकिन आप लोगों ने सारी बाधा विपत्तियों को सारे समस्या को दूर करते हुए आप लोगों ने ये कथा सुनने के लिए आए हो, इसलिए भगवान आप लोगों को भी स्वागत करते हैं जो लोग कथा सुनने के लिए आए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी श्री सुतो गोस्वामी को कहते हैं, बोले हे सुतो गोस्वामी ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये बड़ी किस्मत वालों को ये भागवत कथा सुनने को मिलती है, ये भागवत कथा साधारण कथा नहीं। देखो एक श्लोक में ये भागवत कथा की कितनी दुर्लभता को बताते हैं। बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा है कि ये स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये देवताओं को भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। हम आगे कथा जा करके सुनेंगे, जब श्री सुखदेव गोस्वामी सुतो गोस्वामी को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे इतने में स्वर्ग से 33 करोड़ देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव आप ये परीक्षित को क्यों कथा सुना रहे हो, इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिए हैं ये 7 दिन में इनको तक्षक दर्शन करेगा, इसलिए तो कथा सुना रहे हो। बोले हाँ। बोले देखो स्वर्ग से हम ये अमृत कलश लेकर के आए, लो ये अमृत कलश लो और ये अमृत कलश पिला दो श्री परीक्षित महाराज को, ये अमर हो जाएंगे। लेकिन ये जो कथा आप इनको सुनाने जा रहे हो ये कथा हमें सुना दो। देखो ये भागवत कथा के कितने महत्व है। सुखदेव गोस्वामी इनको भगा दिया वहां से डांट करके, बोले तुम लोग केवल अपना मतलब को हैं हासिल करना जानते हो, बड़े स्वार्थी हो। तब तो एक उदाहरण दे कर को समझाते हैं, अगर आपके पास में कोई एक कांच के टुकड़े लेकर के आए, बल ये कांच के टुकड़े आप ले लो, आपको पास में जो हीरे है ना, नहीं तो आपके पास में जो मणि है वो मणि हमें दे दो, आप दे दोगे मणि को, कहिए कांच के टुकड़े को विनिमय में आप मणि दे दोगे, आप मणि नहीं दोगे, क्यों, मणि मणि है। कहते उसी तरह कहते ये जो श्रीमद् भागवत कथा है कहते ये स्वयं कृष्ण है, कहते भागवत कथा नहीं, कहते साक्षात भगवान श्री वाक्य बिहारी ये भागवत कथा है। इसलिए भगवान जब इस जगत को छोड़ करके गए, भगवान खुद को खुद ये भागवत ग्रंथ रूप में छोड़ करके ठाकुर जी जाते हैं, इसलिए ये भागवत ग्रंथ में कहते 12 खंड इसमें है, द्वादश स्कंध है। कहते द्वादश स्कंध में जो प्रथम द्वितीय स्कंध कहते वाक्य बिहारी की 2 चरण है, कहते जो तृतीय चतुर्थ स्कंध बोले वाक्य बिहारी की 2 गुरु है, कहते जो पंचम स्कंध बोले ये ठाकुर जी के नाभि कमल है, जो षष्ठ सप्तम स्कंध बोले ये ठाकुर जी के 2 हाथ है, कहते जो नवम स्कंध ये भगवान की वक्षस्थल है, कहते जो अष्टम नवम स्कंध
ये ठाकुर जी के कंठ है, कभी जो दशम स्कंध कभी ये ठाकुर जी की ये मुखार बिंद है, कभी जो एकादश स्कंध कभी ये ठाकुर जी की सर है, कभी जो द्वादश स्कंध ये ठाकुर जी के सर है, एकादश ललाट है और द्वादश स्कंध ठाकुर जी की सर है। कभी ये भागवत ग्रंथ नहीं, ये भागवत ग्रंथ को बताया तेन अयं बांग मई मूर्ति, बोले भगवान की ये सप्त ब्रह्म रूप में ठाकुर जी ये भागवत ग्रंथ रूप में ये जगत में आए हैं। कभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, कभी ये साक्षात भगवान श्री बांके बिहारी। अगर कोई बोले भगवान को बांके बिहारी को हम दे दो और तुमको ये अमृत देता हूँ, ये ले लो दे दो भी, कहते स्वर्ग में अमृत पी कर कब तक रहते हैं, बोले जब तक तुम्हारी पुण्य खत्म नहीं हो जाए, फिर पुण्य खत्म होने पर क्या होता है, फिर स्वर्ग से फिर तुमको गिरना पड़ेगा इस जगत में। और सबसे बड़े इंद्र है, पता नहीं इंद्र कितना बार स्वर्ग होना है, कितना बार अभिशाप ग्रस्त होकर के स्वर्ग से मारे मारे भटकते भटकते कहीं घूमे, ये अमृत पान करके, ये अमृत पान करके। इसलिए कहते ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ, कहते स्वर्ग का देवता लोग संपूर्ण अमृत कलश का विनिमय में भी ये कथा को सुन नहीं सके। सुखदेव गोस्वामी उनको वहां से भगा दिया है, बोले तुम कथा नहीं सुन सकते, भाग जाओ यहाँ से। इसका मतलब है जो कथा सुनते हैं, कहते ये देवताओं से भी ज्यादा पुण्यवान है जो ये श्रीमद् भागवत कथा को जो श्रवण करते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी ये कथा सुनने का सौभाग्य नहीं होता है। कहते देवताओं की बात छोड़ दो, कहते स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस, कहते उनको सात लोग ऊपर में, कहते ब्रह्म लोग है, कहते ये ब्रह्म लोक में जन्म लेने पर भी उनको नसीब में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए देखो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बोले कथा है तो बेधे भावना बिहाए, कथा है तो बेधे भावना बिहाए, कथा है तो बेधे भावना बिहाए, कथा है गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कथा हेतु विधि, अगर कहीं ये भागवत कथा हो रही है, विधि मतलब होता है ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कहाँ रहते हैं, ब्रह्मलोक में, बोले ये ब्रह्मलोक कहाँ है, कहते इसको बताया ये पृथ्वी लोक भूर भुव है, कहते उसको ऊपर में कहते स्व मतलब स्वर्ग, भूर भुव उसको ऊपर में स्वर्ग, फिर मोह, फिर जन, फिर तप, फिर सप्तलोक। कहते ये ब्रह्मांड का जो सबसे जो ऊंचा जो स्थान है ये ब्रह्मलोक है, पितामह ब्रह्मा जी ये ब्रह्मलोक में रहते हैं। अगर उनको कहीं पता चले भैया ये भागवत कथा हो रही है, कहते ब्रह्मा जी आप लोग कितने दूर से आए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इतने दूर से तो आते होंगे ना, इससे तो ज्यादा नहीं, ज्यादा दूर से आए ना, कितना कितना किलोमीटर से आए, तो आप लोग तो बड़े भाग्यवान हैं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए 3 किलोमीटर अच्छी बात है, इसलिए हाँ आप लोग 10, 20, 25, 30 किलोमीटर से आए हो, ठीक है ना। लेकिन कहते ब्रह्मा कहाँ रहते हैं, कहते ये ब्रह्म लोक से,
कहती है ब्रह्मा लोक से ब्रह्मा ब्रह्म लोक से आते हैं, लेकिन धाई धाई मतलब दौड़ दौड़ करके। बोलिए दौड़ दौड़ करके क्यों आते हैं? कहती है ब्रह्मा जी ये दौड़ दौड़ करके क्यों आते हैं? क्योंकि ये भागवत कथा की महत्व उनको पता है, ये उनको पता है ये भागवत कथा कितने महत्व वस्तु उनको पता है, इसलिए वो कथा प्रारंभ से, जैसे कथा ऐसे नहीं कथा जब शुरू हो जाए तब जाएंगे, नहीं कथा प्रारंभ होने से पहले हम जाकर के अपना आसन पर बैठ जाए। इसलिए ब्रह्मा जी वहां से दौड़ दौड़ करके पितामह ब्रह्मा जी आते हैं। बोले क्या अकेले आते हैं? बोले वो अकेले नहीं आते हैं, हैं? कहते सुनिवत शारदा, कहते उनकी जो पत्नी जो शारदा है वो शारदा को साथ में आते हैं, अकेले नहीं, वो दोनों कथा सुनने के लिए आते हैं, हैं? कहते भाई प्रश्न है भैया वो अकेले क्यों कथा सुनने नहीं आते, ये पार्वती को ये शारदा को लेकर क्यों आए? अभी हम कथा सुनेंगे, जब शंकर जी आए वो भी अकेले नहीं आए, वो भी पार्वती को लेकर कथा सुनने के लिए आते हैं। कहते जब देवता लोग आए वो भी अकेले नहीं आए, वो देवियों को साथ में लेकर आती है, कोई अकेले कथा सुनने के लिए नहीं आते, वो सबके सब साथ में ना जुड़ा जुड़ा के आते हैं। बोले ऐसे क्यों, ये दो दो क्यों आते हैं, अकेला क्यों नहीं आते हैं? इसकी एक बड़ी रहस्य है। कारण है जो व्यक्ति कथा सुनेगा उसको ऊपर में जरूर उसका रंग चढ़ेगा, जरूर रंग चढ़ेगा, जब रंग चढ़ेगा फिर भगवान की भक्ति में लगेगा, भगवान के भजन में लगेगा। अगर पत्नी आई कथा सुनी रंग चढ़ी फिर उसको पता चलता है ये जीवन कितने दुर्लभ है, ये मानव शरीर भगवान बारम्बार नहीं देते हैं, ये बारम्बार ये मानव शरीर नहीं मिलती है, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये शरीर रोग देते हैं, ये मानव शरीर के रहस्य पता चलेगा फिर वो क्या करेगा, फिर ये जीवन को इधर उधर समय में नहीं गवा करके फिर भगवान की भक्ति में लग जाएगा। अगर भक्ति में पत्नी अगर लग गई, अगर पति नहीं लगा फिर पति क्या बोलेगा, बोले किसकी चक्कर में तो पड़ गई, पहले बोलती थी सिनेमा दिखाने ले जाओ घुमाने ले जाओ, अभी तो जब इच्छा तब तो माला लेकर बैठ रहती हो, गीता भागवत पढ़ती हो। अगर पति अकेले आए फिर उनको ऊपर में भी रंग चढ़ेगा फिर वो क्या करेगा, वो भी जीवन को इधर उधर समय में नहीं गवा करके वो भी प्रभु की भजन में लग जाएंगे। अगर पत्नी नहीं आए तो वो फिर उसको भी वो ताना मारेगी, बोले पहले तो बोलते थे सिनेमा दिखाने ले चलो घुमाने ले चलने के लिए, अभी तो जब इच्छा तब गीता भागवत माला लेकर बैठ जाते हो, वो भी फिर ताना मारेगी। इसलिए यह कहते हैं अगर दोनों मिलकर के कथा सुनने जाओगे फिर दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगी, फिर दोनों बोलोगे भैया चलो सत्संग में चलो, भगवान के धाम में चलो, गीता थोड़ा पढ़िए रामायण पढ़िए, दोनों दोनों को मदद करोगे। इसलिए यहाँ पर जब आते हैं ना यहाँ पर अकेले कई दो दो आते हैं। देखो आपके एक सही घटना सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर सुना। बल एक समय कोई एक राजा था, वो बड़े सत्संगी है, रोज जा करके एक साधु कथा सुनाते थे, वो रोज राजा नियम था रोज सत्संग में जाए। अभी कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना सके, इसलिए जब तक जीव को ये सत्संग नहीं मिलती है तब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है, और जब तक सत्संग तभी होगा जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तभी ये सत्संग नहीं मिलती। अभी वो राजा सत्संग में रोज जाता है, इसलिए राजा क्या करता है समय को बर्बाद नहीं करते हुए समय को भगवान के भजन में लगाता है, भगवान की भक्ति में समय को लगाता है। रानी तो रोज नाराज, रानी रोज नाराज, ये राजा पहले घुमाने ले जाते थे अभी घुमाने नहीं ले जाते, बैठ करके मीठी मीठी बोलते थे कोई बात नहीं, जब देखो सत्संग में जाते हैं गीता भागवत पढ़ते हैं। अब एक दिन रानी तो बड़ी नाराज हो गई, उसने देखा मेरे पति को बिगाड़ने वाले कौन है, बोले ये संत है, ये मेरे पति को उसने बिगाड़ दी, इसको भरी सभा में ऐसे बदनामी करा दूं जाकी जो कि यहाँ छोड़ करके भाग जाए। एक दिन उसने एक बेस्या को गुप्त रूप में बुलाए, बोले देख बेस्या एक काम कर सकते हो मेरे लिए, बोले बताओ महाराज, बोले अगर ये काम में सक्सेसफुल हो गई ना रत्न से तुम्हारी झोली भर दूंगी, बोले बताओ क्या करना। बोले वो संत जब ये भरी सभा में
जब ये कथा सुनाते हैं ना, वहां पर तुम जाना और जा करके केवल इतनी सी बात बोल देना संतों को, बोले बाबा तुम्हारी संग से मेरे गर्भ में एक बच्चा आ गया है, अभी बताओ ये बच्चे को हम अभी क्या करें। बस इतनी सी केवल बात बोलना, बोले कोई चिंता नहीं, मैं इतनी सी बात बोलती हूँ। वो भरी सभा में बैठे हुए थे, कथा कर रहे थे, और उन्होंने जाकर के इतनी सी बात बोल दी। लेकिन वो सचमुच से बड़े पहुंचे हुए संत थे, वो कथा सुन करके भी उसने कुछ भी उनको नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। अभी जितने वहां जनता बैठे हुए थे, सबकी मन में वो साधु का प्रतिसंग आ गया। हम तो पहले सोच रहे थे ये पक्के अच्छे साधु है, लेकिन ये बेस्या कहते तुम्हारी संग से पेट में बच्चा आ गया, ये कैसे साधु। लेकिन जो राजा था वो साधु के ऊपर में उनकी पूर्ण विश्वास थी, क्योंकि उनको आस पास में वो राजा रहता था, वो संत क्या करते नहीं करते वो सब कुछ जानता था। लेकिन इतने में राजा जब घर में वापस आया ना, आकर के उन्होंने वो बेस्या को उन्होंने बुलाया, बुला करके उन्होंने सामने उन्होंने तलवार रख लिए, बोले आप तुम सही सही बताओ, तुमने जो भरी सभा में ये संतों को जो ये बात बताई, तुम बताओ तुमने क्यों ये बात बताई। देखो सामने ये तलवार रखा हुआ, सर उतार दूंगा आदमी। इतने में वो तो डर गई, बोले महाराज ऐसे ऐसे बात है, अब तो रानी बोले मेरे को सोना चांदी से मेरी झोली भर देगी, केवल इतनी सी बात बता दो, अपने पैसा के लोभ से भी बात बता दो। फिर वो राजा संतों के पास में आते हैं, माफी मांगते हैं और सारी बात बता दी। देखो संत ने क्या बताया, बोले ये तुम्हारी रानी की कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारा है। बोले मेरा क्या दोष है, बोले दोष तुम्हारा ये है तुम यहाँ अकेले कथा सुनने आते हो, रानी को साथ में नहीं लाते। अगर रानी को अगर तुम साथ में यहाँ लाते तो फिर तुम्हारी ऊपर में जो ये रंग चढ़ी है ना, उसको ऊपर में भी ये रंग चढ़ता, फिर दोनों मिलकर के भगवान की भक्ति करते, फिर भक्ति करते तो फिर कोई किसको दोष नहीं लगाते। क्यों, तुम दोनों को पता चलता भक्ति की कितने महत्व है। कल से तुम जब आओ अकेले नहीं, रानी को साथ में लेकर आओ। इसलिए देखो यहाँ पर ब्रह्मा जी जब कथा सुनने के लिए आए, अकेले नहीं आए, और ब्रह्मा जी को साथ में लेकर आते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कभी ये कथा ये स्वर्ग में भी नहीं, ये कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, कभी ये कथा कैलाश में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले एक बार त्रेताया युग मारे, एक बार त्रेताया युग मारे, लोग रामायण सुने होंगे। एक दिन शंकर जी सती को लेकर एक कथा सुनने के लिए आए, बोले कहां शंकर जी कहां रहते, बोले कैलाश, ये ब्रह्मलोक के ऊपर कैलाश लोक है, वहां से कथा सुनने के लिए मरते जगत में श्री अगस्त मुनि को पास में आए, इनके चरण में बैठकर एक कथा सुने प्रभु की। जब वापस जा रहे थे, कितने में रावण ने सीता को उठाकर ले गए, और प्रभु राम हासिते हासिते बोल करके लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे। शंकर जी ने देखा प्रभु की, देखो कितना प्यारी लीला है, जो घटघट वासी है, जो सब जानते हैं, लेकिन कैसे लीला कर रहे हैं। इतने में सती सामने साथ में थी, बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो, आप किसकी परिक्रमा कर रहे हो, आप जिस परम ब्रह्म परात पर राम की कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम ना, ये कोई साधारण व्यक्ति, क्योंकि मेरे को पता है सीता रावण जिसको उठा करके ले गया वो सीता है ही नहीं, वो तो उनकी छाया सीता थी,
और उसको लेकर के अशोक वाटिका में रखा है, तो मेरे को पता है अगर ये घटघाटी वासी होते तो इनको इतनी सी बात क्या पता नहीं इनको। शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, सती बोली ऐसे में समझ जाऊंगे थोड़ी मैं लिखी पड़ी हूँ ना, अनपढ़ नहीं मैं लिखी पड़ी हूँ, ऐसे में समझने वाली नहीं। देखो जगत में ऐसे पांच प होते हैं, अब दुनिया को समझा दो लेकिन पांच प को नहीं समझा पाओगे। जान दो पांच प क्या है, पहला नंबर पति। पति भले ही सारा दुनिया को सुना दे लेकिन देखना पत्नी को समझाए बोले अरे ये क्या समझाएंगे, इनको भी समझा दे रहा, ये पहला नंबर प है। दूसरा जो प है निजो पुत्री, अब दुनिया को पढ़ा लो कुछ कर लो लेकिन पुत्री को पढ़ा नहीं सकते। तीसरा प है कहते पुत्र हैं, और जो चौथा जो प है परिवार वाले हैं। सारा दुनिया भले ही तुम्हारी बात सुनेंगे परिवार तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, बोले अरे हमारा सामने घूम रहा था इसको मैं सोच ये क्या हम समझेगा। और जो पंचमा जो प है ना बोले पड़ोसी, देखना सारा दुनिया में तुम्हारी मित्रता अपने पड़ोस में लगाई। इसलिए उन्होंने कोशिश की पार्वती को समझाने के लिए, सती को, वो पहले पार्वती नहीं पहले सती थी लेकिन सती समझी नहीं, बोले परीक्षा करके देख लो, फिर उन्होंने सीता रूप धारण करते हुए परीक्षा करी। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं देखो ये कथा सुनने के लिए शंकर भी कहाँ से आए, कैलाश से कथा सुनने के लिए आए। बोले भैया इन्हीं की बात छोड़ दो, कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ है नास रसह, ये कथा वैकुंठ में भी नहीं। आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय भगवान राम अयोध्या छोड़ करके अपना दिव्य सांकेत धाम में जा रहे थे, देखा सबके सब तैयारी वहां बैठ जाने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा एक व्यक्ति वहां पर नहीं। बोले कौन है, बोले श्री हनुमान नहीं, बोले श्री हनुमान जी नहीं। बोले भैया हनुमान जी कहाँ गए, ये हनुमान जी कहाँ है हनुमान जी। इतने में भगवान राम देखे, देखा हनुमान जी घर के एक कोण में बैठ करके प्रभु का नाम को जप कर रहे थे, हैं प्रभु के नाम जप कर रहे थे। बोले हनुमान जी संपूर्ण संकेत धाम तैयारी है वो जाने के लिए भगवत धाम में, लेकिन तू यहाँ पर कोने में बैठे हुए हो, तुम क्या जाओगे नहीं मेरे साथ में अपना नित्य धाम में नहीं जाओगे। देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु जी वहां क्या तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी। भगवान राम ने कहा जब मैं स्वयं यहाँ पर हूँ फिर ये कथा की क्या जरूरत है, मैं तो हूँ साक्षात रूप में वहां हूँ ना मैं। देखो हनुमान जी क्या कितने कीमती चीज कहते हैं, बोले प्रभु जहाँ पर आप हो सकता है तुम्हारी कथा वहां पर नहीं हो, लेकिन जहां पर तुम्हारी कथा हो रही है आप वहां 100% आप वही रहते हो। इसलिए जिस समय नारद जी भगवान से प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु जी आप कहाँ रहते हो, देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मत भक्ता चत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद जी दुनिया कहते हैं मैं रहता हूँ वैकुंठ में, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते हैं मैं रहता हूँ जोगियों का हृदय में, मैं जोगियों का हृदय में भी नहीं रहते। बोले प्रभु रहते हो कहीं कहाँ, बोले केवल एक जगह में रहता हूँ मद भक्ता जत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त लोग बैठे करके मेरी कीर्तन करते हैं कथा करते हैं मैं केवल वही रहता हूँ। इसलिए कहते हैं ये जो कथा है कभी ये वैकुंठ में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले गयो गरुड़ जहाँ बस ये भुसोड़ा, गयो गरुड़ जहाँ बस ये भुसोड़ा, गयो गरुड़ जहाँ बस ये भुसोड़ा, कहते हैं
ये गरुड़ जी कहाँ रहते हैं? बोले वैकुंठ में। बोले ये काग भूषुंडी कहाँ रहता है? रहता है इस मर्त्य जगत में, श्री जगन्नाथ पुरी में। नित्य निरंतर प्रभु की कथा ये सुनाता है। अगर कभी गरुड़ जी की कथा सुनने की इच्छा हो, कहती है गरुड़ जी ये वैकुंठ छोड़ करके इस मर्त्य जगत में आते हैं ये कथा सुनने के लिए। हाँ देखो, जो कथा सुनने के लिए आते हैं वो कितने सौभाग्यवान, ये चीज को समझो। कि देवताओं को कथा सुनने के लिए देवलोक त्याग देना पड़ा, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक त्याग देना पड़ा, शंकर जी को कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़ना पड़ा, गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ना पड़ा। लेकिन ये कैलाश नगर की, कहते कैलाश नगर के जो लोग हैं, कहते कथा सुनने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ा, आपको कुछ घर बार छोड़ना पड़ा, आपको कुछ भी कथा कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा। कथा रूपी गंगा स्वयं आकर के आपका घर में ही, कथा रूपी गंगा यहीं पर बह रही है, यहीं पर बह रही है। हम बैठ बैठ करके अपना घर में ही कथा रूपी गंगा में हमने यहीं पर ही स्नान कर लिया। कहते इसका मतलब होता है हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि ये भागवत कथा सुनने का हमें ठाकुर जी ये सुविधा प्रदान किए। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतमयी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो माता कुंती एक बात कहती है, आप लोग ध्यान रखते सुना, ये कृष्ण को कहते हैं। बोले कृष्ण, कहते चार तरह का व्यक्ति तुम्हारी भजन नहीं कर सकते, चार तरह का व्यक्ति तुम्हारी भक्ति नहीं कर सकते। कहते वो कौन चार तरह का व्यक्ति है? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत सिद्धि रेदमान मद अपमान। बोले चार लोग व्यक्ति बड़े अभिमानी हो जाते हैं। बोले चार लोग कौन है? बोले जन्म, जिनको बड़ी हाई फाई घर में जन्म हो गए हैं वो बड़े अभिमानी आ जाता है, हैं? कहते तेरे भक्ति में उसको रुचि नहीं होती। दूसरे नंबर है ऐश्वर्य, जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए। कुंती कहती है प्रभु वो तुम्हारी कथा नहीं सुनेंगे, भजन नहीं करेंगे। बोले हमारे किस चीज की कमी है, हम कथा सुनेंगे भजन करेंगे? कहते प्रभु वो तेरे भजन नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, जन्म ऐश्वर्य ज्यादा पैसा वाला, कहीं आपको सत्संग तीर्थ में नहीं देखेंगे, कहीं जुआ कहीं शराब की दुकान उल्टा पुल्टा जितने चाखा में देखना वही पर मिलेंगे। जन्म ऐश्वर्य श्रुता, श्रुता मतलब होता है ज्ञान, थोड़ा जो लिखा पढ़ा ज्यादा कर लेते हैं ना, कहते अरे हमारा क्या भक्ति भक्ति की जरूरत, हम क्या काम जानते हैं। और श्री, श्री मतलब होता है सुंदरता, जिसको थोड़ा चमड़ा सा सुंदर हो जाए, थोड़ी जिसकी चमड़ी सुंदर हो जाए। कहते प्रभु ये चार तरह का व्यक्ति तुम्हारी भक्ति नहीं करेंगे, इनको बहुत काम मिलेंगे अगर किस पास में है भक्ति कर रहे हैं। कुंती कहती है प्रभु समझनी चाहिए वो बड़े सौभाग्यवान हैं जो तुम्हारी भक्ति में ये लगे। आप कभी नहीं सुना कि इंद्र जाकर कहीं भक्त तपस्या कर रहा है, वो भोग में बहुत मस्त है, रंभा उर्वशी मेनका को लेकर के वो भोग में लिप्त रहता है। आप कभी नहीं सुनोगे बैठकर कहीं भजन कर रहा है। इसलिए माता कुंती कहती है प्रभु तुम्हारी जो भक्ति करने वाले भजन करने वाले, बोले नमो अकिंचन विताय निवृत गुण वृत्तय, जिसको पर में तो तुम्हारी विशेष कृपा हो प्रभु जी, वही लोग ही प्रभु की भक्ति भजन में उनकी मन लगती है, सबका मन इस चीज में नहीं लगती है, हैं? इसलिए देखो अभी प्रश्न है, जैसे हम सात दिन तक कथा सुनेंगे, प्रश्न यहाँ पर आता है हम क्यों यहाँ पर दो दो तीन तीन घंटा देंगे? अगर यही समय को और अगर हम कहीं देते तो कुछ पैसा मिलता है, नहीं तो कुछ सांसारिक तो कोई कुछ लाभ होता, लेकिन हम तीन 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 घंटा दो दो घंटा यहाँ पर यहाँ पर बैठे रहेंगे कथा सुनेंगे, हमें क्या मिलेगा, ये प्रश्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पर श्री राधा रानी कहती है कि ये कथा में तुमको जीवन में जितने तुमको लाभ होगा, दुनिया में कोई भी बिजनेस में तुम्हें इतने लाभ नहीं हो सकते, दुनिया में कोई भी बिजनेस करो कोई गारंटी नहीं तुमको लाभ होगी। लेकिन ये ऐसे के बिजनेस है इसमें अभी तक तो किसने फेल हुए नहीं, इसलिए मीरा कहती है ना
दिन दिन बढ़त सबाय पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बिजनेस ना अभी तो कोई फेल नहीं हुए हैं, बताओ मीरा ने फेल हुई, तुलसीदास जी ने फेल हुए, हनुमत लाल जी फेल हुए, ध्रुव प्रहलाद फेल हुए, नरसिंह भगत फेल हुए। आप देखो जिन जिन मैंने प्रभु के भजन किए ना, सारा दुनिया में उनका नाम अजर अमर हो गया। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं हम तो बेटा बेटियों को बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनाएंगे, भक्त नहीं, इनको तो हम हीरो हीरोइन बनाएंगे। आप देखो 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी उनका नाम है कोई दुनिया में? कोई उनका नाम ले रहे हैं? नहीं। लेकिन ध्रुव प्रहलाद हनुमान जी का नाम देखो, हाँ इनके नाम को देखो जगत में, ये सबके सब जगत में अमर हो गए। इसलिए यहाँ पर श्री भागवत में श्री राधा रानी, ये स्वयं राधा रानी कहती है, कहती ये जो कथा है, कहती ये कथा में सबसे ज्यादा आपकी लाभ होगी। बोले क्या लाभ होगी? तब राधा रानी कहती है ये कथा से तुम्हें 7 लाभ होगा। कितना लाभ होगी? 7 लाभ होगी। देखो श्री राधा रानी क्या कहती है, ये कथा में किसको किसको लाभ हुआ और ये 7 लाभ क्या है। आप लोग ध्यान देख रहे हैं, कभी ये पहला दिन है इसलिए आपको ये सब कथा सुनाता हूँ। जैसे आपको लगे नहीं, हम यहाँ 2-2-3-3 घंटा जो बैठेंगे, हम अपना समय को हम लस कर रहे हैं, समय को हम बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं पड़े। इसलिए हम आपको सारे शास्त्र से उदाहरण को दे देकर समझा रहा हूँ, ये कथा में कभी तुमको लस किसी चीज की नहीं होगी। राधा रानी ये बात को खुद कहती है। बोले कब कहती है? जब रास करते करते कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने जब यमुना किनारा में बैठी करके जब उन लोगों ने गोपी गीत को गाए, जिस गोपी गीत को सुन करके कृष्ण स्वयं उनको बीच में प्रकट हुए, तो वो गोपी गीत में राधा रानी एक श्लोक कहती है। बोले क्या कहती है? बोले तब कथा मृतम ताप्त जी बना कभी मेरे पिता इसको कौन कौन याद कर पाए। ठीक है, अब एक एक गिनो। राधा रानी कहती है, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कथा का जो पहला लाभ है, कहती है तुम्हारी कथा नहीं बल्कि ये कथा तुम्हारी अमृत है, ये अमृत है। इसलिए आप लोग सुने होंगे भागवत को अमर कथा कहते हैं। बोले क्यों? बल्कि ये शंकर जी माता पार्वती को ये अमरनाथ में ये अमर कथा सुनाई थी, इसलिए कथा का एक नाम अमर कथा। आप लोग अमरनाथ गए हो? कौन 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 अमरनाथ अब गए हो? वाह बहुत अच्छी बात है। आप लोग देख करके आए होंगे मैया पार्वती को शंकर जी कहाँ पर कथा सुनाए थे, यही भागवत कथा सुनाए थे। देखो ये कथा की कितने महत्व है, जिसको स्वयं शंकर जी कहते हैं ये कथा सुनकर कहीं मैं अमरत्व को प्राप्त की है। जब शंकर जी कहते हैं ये कथा को सुन करके मैं स्वयं अमरत्व को प्राप्त, माता जी कहाँ जा रही है? जोत रखनी भूल गई। कोई जरूरत नहीं, हृदय की जोत जला
वो ज्योत की इतना महत्व नहीं, कथा की जितने महत्व है। आप बैठकर कथा सुनो, ठीक है ना। अब आपको उठने का कोई जरूरत नहीं यहाँ से, जितना और काम सब गौण है, और जो कथा ये सबसे बड़ी चीज है। अगर कथा आपको समझ में आ गई ना, समझो वो सारी चीज समझ में आ गई। इसलिए जब आप दोनों कथा बैठ में सुनो, आप परिचित हो, आप दोनों आप परिचित हो, इसलिए जैसे परिचित महाराज कई जगह पर बैठे ना, आप भी तेजी बैठ कर कथा सुनो। हाँ, थोड़ा कष्ट हो तो थोड़ा चेयर में बैठ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि आप घर के मेन प्रेसिडेंट हो। देखो ये जो कथा है, क्यों ये भागवत की प्राधारण कहती है कथा नहीं, ये अमर कथा है। इसको जो सुनेगा वो अमरत्व की प्राप्ति होगी। शंकर जी स्वयं कहते पार्वती, बोले इसकी एक कथा कथा आती है। एक दिन श्री नारद जी कैलाश में पहुंचे, वहां पर शंकर जी गए थे सत्संग में, घर में अकेली माँ पार्वती थी। इतने में श्री नारद जी माता जी से प्रश्न करती, इसका कुशल मंगल है ना, बोले तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल मंगल है। बोले तुम कैसे कुशल मंगल हो? बोले शंकर जी मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बोले क्या खाना पीना दे करेंगे? बोले नहीं नहीं, कहीं अगर कथा सुनकर के आते हैं, सबसे पहले ये कथा मेरे को सुनाते हैं। आप लोग कथा सुने होंगे, जब माता पार्वती सती ने शरीर त्याग की, पर वो हिमालय की बेटी पार्वती बन करके आई, और उन्होंने शंकर जी को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की, बेल वृक्ष को नीचे बैठ करके। लास्ट में उन्होंने पहले तो बेल पत्ते को खा खा कर भजन की, लास्ट में उन्होंने पत्ते को भी खाना छोड़ दिया, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया अपर्णा। बड़े कष्ट से शंकर जी को उन्होंने प्राप्त की। जब शंकर जी को साथ में उनकी शादी हो गई, इतने में शंकर जी प्रश्न किए पार्वती तुम्हें क्या चाहिए? अगर शादी को बाद में अगर पति पत्नी से बोले क्या चाहिए, आप क्या बोलोगे? बोलो चलो भाई हनीमून मनाने जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे हमें सिनेमा में लेकर घुमा करके आ जाएंगे, नहीं तो कब कहीं तो बोलोगे ना। देखो माता पार्वती क्या कहती है। इतने कष्टों के बाद में जब शंकर जी को प्राप्त की, जब शंकर जी पूछे तुम्हें क्या चाहिए, पार्वती कहते प्रभु केवल एक लोभ से आपको पाने के लिए तपस्या की। बोले कौन सा लोभ है? बोले केवल प्रभु की कथा सुनने के लिए, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरे को भगवान की कथा सुना करके मेरे अंदर में जो अज्ञान है ये अज्ञान मेरे को दूंगा, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। इसलिए आप जितने पुराण देखो, ये शंकर पार्वती का संवाद है, शंकर ये सुनाते हैं और मैया पार्वती कथा सुन रहे हैं। सारे जितने पुस्तक जितने पुराण है, कथा की इतने महत्व कथा की। इसलिए इतने में नारद जी पूछे तुम जो प्रेम करते हैं कैसे प्रेम करते? बोले खाना पीना देखे। बोले नहीं नहीं, बोले फिर, बोले कहीं से अगर ये सत्संग सुन करके आते हैं, पहले ये सत्संग की कथा शंकर जी मुझे सुनाते हैं, मुझे ही सुनाते हैं। लेकिन नारद जी को ये भागवत ग्रंथ प्रकाश करना था। इतने आपको आप लोगों को पता होगा, हम कहते हैं ना तो क्या नारद जी का काम कर रहे हैं, कहते हैं ना मतलब क्या लड़ाई क्या लगा रहे हैं। लेकिन नारद ऐसे नहीं, नारद लड़ाई नहीं लगाते। नारद जी के बगैर प्रभु की कोई लीला ही नहीं हुई है, कोई लीला नहीं हुई। नारद जी सोच रहे थे भागवत ग्रंथ कैसे प्रकाशित होगा। इतने में श्री नारद जी बोले माता जी आप तो कहते हो शंकर जी आपको प्रेम करते हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं, अंदर से नहीं। इतने में पार्वती बोली अबरू आगे मत बढ़ा कर, मैंने सुना तुम जहाँ जाते हो लड़ाई लगाते हो, भैया हम बड़े प्रेम से रहते हैं, पति पत्नी लड़ाई नीचे मत लगाया करो। बोले माता जी मैं सही सही बता रहा हूँ, आप बताओ शंकर जी के गला में एक मुंडकी माला देखी हो? बोले हाँ। बोले बता सकता हो ये मुंडकी माला है किसकी? शंकर जी कभी तुम्हें बताए? बोले नहीं। बोले इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ शंकर जी तुम्हें ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं, अंदर अंदर से तुम्हें प्रेम नहीं करते। बस भैया की दिमाग तो चकरा गई। बोले बात सही है, ये बात शंकर जी अभी तक मेरे को क्यों नहीं बोले? बोले देखो सहज में नहीं बोलेंगे, एक काम करो तुम जाकर के मान भवन में जाकर के तुम लेट जाओ, शंकर जी मनाने पर भी मानना नहीं। शंकर जी को तभी पूछना तीन बार कसम खिला कर, तीन बार कसम खिला करके तुम पूछना। इतने में श्री नारद जी चले गए, जब श्री शंकर जी आए देखा वहां पर माता पार्वती नहीं। बोले पार्वती क्या कर रही है? बोले तो नारद जी आए, पता नहीं क्या उनको बोले, वो तो जाकर मान भवन में लेटी गई। बोले तो यही देख रहा था जब मैं आ रहा था
श्री नारद जी जा रहे थे। मैंने नारद जी को रोकने के लिए बताया, उन्होंने बोले अभी हम बड़े अर्जेंट काम में हैं। मैं तो समझ गया ये कुछ गड़बड़ी करके गए। इतने में जा करके पार्वती के शरीर पर हाथ रखते ही पार्वती का हाथ को ऐसे फेंक दिए। बोले क्या हो गया बताओ। बोले पहले तो मैं सोच रही थी आप भोले बाबा हो, लेकिन अभी मुझे पता चला भोले नहीं आप तो कपटी हो। बोले क्यों क्या बात है। बोले आप तो मेरे को ऊपर ऊपर की बात सुनाते अंदर की बात तो सुनाते नहीं। बोले भैया कौन सा अंदर की बात है। बोले ये बताओ आपके गले में ये जो मुंडक की माला है किसकी। बोले पार्वती ये मुंडक की माला तेरी है। बोले मेरे सर का मेरे शरीर में अब गले में कैसे आ गया। बोले पार्वती तुमको पूर्व जन्म की बात तुम्हें याद नहीं। पूर्व जन्म में तुम सती थी, कभी तुम्हारे पिताजी मेरे को यज्ञ के भाग नहीं दिए, इसलिए तुमने कनखल में जाकर के शरीर को त्याग दिया। एक जन्म नहीं कितने जन्म से ऐसे शरीर त्याग देती हो। जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तब तक मैंने तेरे सर को लेकर गले में माला रूप में धारण कर लेता हूँ। इतने में पार्वती बोली प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप कोई छोटे मोटे कपटी हो गए, अभी मैं देखता हूँ आप तो सबसे बड़े कपटी। बोले क्यों। बोले आप ये बताओ आप ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान किए हो आप मर नहीं रहे और मैं मरती जा रही हूँ आप कपटी नहीं हुए। बताओ आप ऐसे कौन सा अमर बोटी को पान किए। देखो शंकर जी क्या कहते हैं। बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर बोटी को हमने पान की है तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त किया। केवल ये भागवत कथा रूपी अमर बोटी को। तो पार्वती कहती है प्रभु फिर तो मेरे को भी सुना दो, फिर हम दोनों ही अमर हो जाएंगे, फिर आनंद पूर्वक रहेंगे। मैं जन्म जन्म से शरीर छोड़ते जा रही हूँ आप शरीर नहीं छोड़ रहे हो। बोले हाँ तुमको कथा सुनाऊंगा। बोले कहाँ। बोले चलो हम तुम्हें अमरनाथ लेकर चलते हैं, वहीं पर बट वृक्ष में नीचे बैठा करके वहीं कथा सुनाएंगे। बोले देखो पार्वती जब मैं कथा सुनाऊंगा मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम हुंकार भरते रहना। बोले ठीक है प्रभु जी। शंकर जी फिर कथा सुनाना शुरू करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जब उन्होंने प्रथम स्कंध दूसरे तीसरे जब दसम स्कंध सुना दिए, जब एकादश द्वादश स्कंध की कथा सुनाने जा रहे थे, जब ज्ञान की बात बताने के लिए गए, इतने में पार्वती सो गई। जब सो गई इतने में उसी वृक्षों के ऊपर एक तोता बैठ कर सुन रहा था, देखा माँ तो सो गई, अभी हुंकार भरना बंद हो जाएगी, फिर शंकर जी कथा बंद कर देंगे, मेरी कथा भी अधूरी रह जाएगी। वो तोता भी हुंकार भरते रहा। जब फिर जब कथा समाप्त तो हुई फिर शंकर जी जयकार लगाए, से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इतने में मैया पार्वती जग गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ। बोले कथा तो समाप्त तो हो गई। बोले मैं बीच में सो गई थी। बोले सो गई गई थी अभी तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं मैं बीच में सो गई थी, शंकर जी ने देखा कोई अनधिकारी व्यक्ति ने तो कथा नहीं सुनती, क्योंकि ये अमर कथा जो सुनेगा वो अमर बन जाएगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति सुन करके अमर बन जाएगा तो फिर दुनिया के लिए हानिकारक है। इतने में देखा सिर्फ तोता बैठ कर कथा सुन रहा है। शंकर जी उसको मारने के लिए पीछा की, वो उड़ते उड़ते पहुंचा बद्रिका आश्रम पर। बद्रिका आश्रम में भी श्री व्यास देव अपना पत्नी को भी यही भागवत कथा सुना रहे थे, वो भी जम्भाई ले रही थी। इतने में वो सुख ने तोता ने सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनके अंदर में प्रवेश कर गया। शंकर जी देखे तोता ही कहीं गायब हो गई। बोले कहाँ गायब हो गई। हाँ कहाँ गायब हो गई। व्यास देव जी ने पूछे प्रभु कहाँ से हफ्ते हफ्ते आ रहे हो। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया। बोले कि तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या। बोले जो सुनेगा मरेगा नहीं। बोले आप पीछा क्यों कर रहे हो मारने के लिए। बोले सचमुच से आप भोले ही हो। सचमुच से आप भोले ही हो। शंकर जी ने देखा बात सही है, ये तो कथा सुन ली, ये तो अमर हो गया।
फिर शंकर जी ध्यान लगा दे। देखो शंकर जी क्या ध्यान लगा रहे, बोले अगर ये तोता कोई साधारण होता तो कभी कथा नहीं सुन सकते, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कथा कौन सुन सकता है, देखो सब नहीं सुन सकते है। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम, एक जन्म नहीं बोले बहु जन्म समर्जित है ना, करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय होगा तो तभी ये कथा कोई बैठ करके सुनेगा, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी कहते कथा में उसको अच्छी लगेगी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी। देखना टीवी में तीन तीन घंटा बैठ कर टीवी देख लेंगे, उल्टा पुल्टा जो जिसका कोई मतलब नहीं, बिना मतलब का चीज बताओ इस सिनेमा में क्या चीज है, सिनेमा है क्या चीज जिसमें जितने गंदी गंदी और झूठ चीज को एक रूपक तो दिया, यही तो दिया ना, देखते होंगे इसमें कोई मतलब, बल्कि बुद्धि खराब है, वो ऐसे कपड़ा पहना हमें ऐसे कपड़ा पहननी चाहिए, ऐसे घर में रहते हमें भी ऐसे, बल्कि जिस चीज को देखकर पाप कर्म करने की वृत्ति जन्मती है, आप तो ज्यादा जानते हो, जिसको देख करके केवल गंदी चीज में पाप कर्म में मन जाता है, देखना बैठे गए वहां तीन तीन घंटा बैठ जाएंगे। लेकिन भगवान की कथा में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक जन्म नहीं बहु जन्म समर जीते ना, करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय होगा तो तभी ये कथा कोई सुन सकते हैं, इसलिए शंकर जी ने देखा ये तोता ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया जो तोता कथा सुन, शंकर जी ध्यान लगाए उन्होंने सारी चीज को देख लिया, बोले क्या देखा है, बोले जैसे भगवान राम जब इसी जगत में आए तो उन्होंने श्री हनुमत लाल को लेकर के आए थे, जब उनका लीला समाप्ति हो गई, जब भगवान राम जा रहे थे उन्होंने श्री हनुमान जी को छोड़ कर गए, बोले क्यों, बोले मेरी भक्ति को जगत में कौन प्रचार करेगा, उसी तरह ये जो तोता है ये भगवान की सारे लीलाओं को उसने दर्शन किए, प्रभु की सारी लीला उसने दर्शन की, जब कृष्ण जाने के लिए तैयार हुए तोता भी तैयार हुआ जाने के लिए, कृष्ण ने कहा तोता अगर तुम चले जाओगे फिर तो जगत में मेरी भक्ति को कौन प्रचार करेगा, इसलिए तुम यहाँ पर रहो, रह करके मेरी कथा को प्रचार करना। जब प्रभु चले गए ये तोता बड़ा दुखी हो गया, बल और कहाँ प्रभु की लीला तो दर्शन नहीं मिलेगा, कम से कम उनकी कथा तो सुनने को मिले, इसलिए ये तोता उड़ते उड़ते जब अमरनाथ में पहुंचा देखा शंकर जी पार्वती को यही प्रभु की कथा सुना रहे, बस वो तोता बैठ करके सारी कथाओं को तोता बैठ करके सुना, यही तोता ही व्यास देव जी की पत्नी के गर्भ में इसने प्रवेश की, प्रवेश करके वही पर श्री ये सुखदेव गोस्वामी बन करके आएंगे और जगत में भगवान की भक्ति को प्रचार करेंगे, ये शंकर जी ने ये सारी चीज को शंकर जी ने दर्शन की, फिर शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले कथा सुनाना मेरा सार्थकता हो गया, क्योंकि ये तोता कथा सुनकर दुनिया में ये भागवत कथा सुनाएगा, शंकर जी परिक्रमा की, परिक्रमा करके शंकर जी नाच चले गए। हाँ देखो मैं बताया ना कथा सुनने का कितना लाभ है, कितना लाभ बताया था, सात, सात लाभ है। हाँ अब याद रखना, मैं देखूंगा कल मेरे को कब सुना पाता है, अभी मैं सात लाभ बताऊंगा। पहला कथा सुनने का पहला लाभ क्या है, शंकर जी स्वयं कहते हैं जिस कथा को सुनकर मैं अमरत्व को प्राप्त की, केवल शंकर जी नहीं जो स्वयं जगदम्बा जग जननी सो माता पार्वती तब तक ये भी शरीर छोड़ते रही जब तक ये कथा नहीं सुनी, जब उन्होंने शंकर जी से अमरनाथ में कथा सुने तभी ये अमरत्व को प्राप्त करती है, स्वयं शंकर पार्वती भी जिस कथा सुनकर के अमरत्व को प्राप्त करती है, इसलिए राधा रानी कहती है कथा सुनने का पहला फल है तुम भी अमर बनोगे, इसलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यहीं बैठो केवल कथा सुनो, केवल कथा सुनो, कथा सुनते सुनते जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक कथा तुमको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ है अमरत्व को प्राप्त करेंगे। बोले कथा सुनने का दूसरा लाभ क्या है, बोले तप्त जीवनम, कहते संसार में हम सबके सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई बहू से, कोई सास से, कोई ननद से, कोई काम से, कोई पड़ोसी से, कोई मन से, अब देखना पूछो एक व्यक्ति को ऊपर से पूछो कैसे, हाँ पास में बैठ कर देखो
उसको पास में बैठो और उसकी दिल की बात आप सुना देखना, इतने दुखी जिसका दुख सुनकर तुम भी स्वयं दुखी हो जाओ। हाँ देखो ये राधा रानी क्या कहती है, अगर कथा सुनोगे तो दूसरा लाभ के तप्त जीवनम, संसार में तुम्हारा जो तपा हुआ जीवन है, जो दुखमय जो जीवन है, सारे दुख तुम्हारे खत्म हो गए। देखो इसका प्रमाण देखो, आप कितना समय से यहाँ पर बैठे हो, एक घंटा आधा घंटा से, हम सबके सब संसार से तरह तरह से दुखी है, लेकिन आपको कोई दुख अभी याद है? आपको संसार का कोई दुख अभी हमें याद है? हमें संसार का कोई दुख भी अभी याद नहीं, लेकिन केवल कथा से बाहर तैयार रखो, ये कथा से केवल बाहर प्यार रखो, संसार में घर में जाने पर ये होगा ये होगा ये हो, ये है ये है ये, देखो ना सारे दिमाग में सारे तरह दुख कटका के बैठ जाए, लेकिन जब तक कथा में बैठे हो तब तक संसार का कोई दुख हमारी कोई भी दुख हमें याद नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कथा सुनने का जो दूसरी लाभ है कि जीवन का जो दुखमय जो जीवन है तुम्हारी सारे दुखमय जीवन समाप्त हो जाएगी। कहती है कथा सुनने के दूसरे लाभ है, बोले इसका तीसरा लाभ क्या है, बोले कल्म सा अपहम, कहती है सारे दुख कष्ट जीवन में क्यों आता है, कहती है पूर्व जन्म का कर्म का फल है, हमने जैसे जैसे बीज बोए वो वैसे ही वृक्ष निकलती है, इसलिए हमने जो जो पूर्व जन्म में कर्म की उसको भोग कर रहे हैं, ये प्रारब्ध हमारी है, लेकिन ये प्रारब्ध ऐसे की चीज है इसको बड़े बड़े ज्ञानी भी ये प्रारब्ध को खनन नहीं कर सकते, इससे निकल नहीं सकते हैं, लेकिन राधा रानी कहती है अगर आप कथा सुनोगे ना तुम्हारे सारे जितने तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप है वो सारे पाप तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। देखो आप लोग वाल्मीकि का नाम सुने हो वाल्मीकि का नाम, ये पहले दशरथ ना करता, इतने ब्राह्मणों को उसने हत्या की, जने से कुएं भर दिया था, जब श्री नारद जी बोले उसको तुम्हारी ये पाप कर्म को कौन लेगा, तू जो पाप कर्म कर रहे हो, बोले मेरे बीवी मेरे बच्चे पिता माता, बोले कुछ करता ये सबके सब तेरे सुख में मदद कर रहे हैं, दुख में कोई भी इसका फल कोई लेने वाले नहीं, कुछ करता। पत्नी से पूछा तू लोगी, बोले क्यों, घर का काम मेरी तुम्हारे काम बाहर का काम तेरा। बच्चों से पूछा, बोले आपका कर्तव्य हमें बड़ा बनाना, जब हम पैसा कमाएंगे फिर हमें पता है। पिता माता को पूछा, बोले तेरे को जन्म दिया बड़ा क्या था? कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं हुए पाप को। फिर नारद जी को पास में आए, बोले सही बता रहे थे, बोले बोलो भगवान का एक बार नाम लो, बोले राम, आप लोगों को बोलिए राम राम, लेकिन उसका मुंह से ठाकुर राम ही नाम नहीं निकला, मतलब इतना बड़ा पापी था उसको मुंह में ठाकुर का नाम ही नहीं निकला उसको मुंह से। बोले तू बोलता था मारो मारो ना, बोले हाँ, बोले तो इतना तो बोल सकते हो, मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ ये तो बोल सकता हूँ। फिर राम राम करते करते राम राम हुआ। आप लोग टीवी देखे होंगे ना, टीवी देखे होंगे, राम आने से पहले उन्होंने रामायण लिख करके लव कुश को बनाया, केवल मरा मरा करते 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 भगवान की कथा में इतने शक्ति कथा में सारे पाप, कथा सुनते सुनते हमारी सारे पाप नष्ट हो जाएगा। बोले पंचमा लाभ किया है, बोले श्रवण मंगल, जो कथा श्रवण करेगा, कहते ना मंगल भवन मंगल हरी है, केवल कुछ नहीं, जैसे आप आकर कथा में बैठ ही गए समझो सारे पाप आपका अपने आप नष्ट हो रहा है, जितने कथा सुन रहे हैं ना उतना आपका पाप नष्ट होते जा रहे हैं, सारे पाप नष्ट हो रहा है आपका नाम, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान की कथा ही केवल बैठे बैठे के सुना, इसलिए बोले श्रवण मंगलम। देखो आपको एक रामायण की कथा सुना था, ये वाल्मीकि ने, अगर आपको पता नहीं कथा पता क्या होता है, आप कैसे बाई चांस कैसे आकर कथा में बैठ गए, बाई चांस आकर बैठ गए, देखो इसकी कितने महत्व है, ये कथा को सारे आप याद रखना ठीक है ना, आप भी दूसरों को सुनाना, जैसे कथा सुने याद रहेगा कि नहीं सबके सब, आप याद भी रखना दूसरों को भी सुनाना, दूसरा भी कल्याण होगा। देखो ये रामायण की कथा है, अनजान में भी कथा सुनेंगे तो क्या लाभ है, ये वाल्मीकि जी रामायण लिखने से पहले कथा को सुना रहे हैं। बोले एक समय एक राजा और रानी थी, राजा का नाम था सुमति, पत्नी का नाम थी सत्यवती, देश का राजा रानी थे, लेकिन होते हुए भी उनका वहां पर था राम दरबार था, राम दरबार में राजा रानी दोनों अपने हाथों से सारे ठाकुर को सेवा करते थे, श्रृंगार करना मंदिर मार्जन उनको माला सारी सेवा करते थे, जब ज्यादा समय मिलता था
रानी सामने बैठी जाती थी, राजा बैठी करके उनको वाल्मीकि रामायण सुनाते थे। और जब थोड़ा ज्यादा समय उनको मिले, राजा रानी दोनों देखो मेरे तरफ, ये माला लेकर के राजा रानी दोनों बैठते थे और बैठे करके दोनों मिलकर के भगवान की कीर्तन करते थे। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित रघुपति राघव राजा राम पतित पावन किसकी स्वागत है, बोले ना ताली बजा कर स्वागत करो, बोले यहाँ पर किसकी स्वागत कर रहे हो, ठाकुर जी के स्वागत में ताली बजाते हो। जैसे संसार में अगर जाता कहीं दुखी हो जाते है ना, आप देखना हम ज्योतिष के पास में जाते हैं, बोले भैया देखो तो इस संसार में किसी तरह का शांति सुख क्यों नहीं आ रही, एक विपत्ति के बाद में एक एक क्यों आता है, क्या ज्योतिष आपका दुख दूर कर देगा, दुख दूर कर सकता है नहीं, बल्कि बोलेगा भैया ये पत्थर पहन लो, ये पत्थर पहन लो, 10,000 5,000 बल्कि उल्टा पुलटा करके पैसा निकाल देगा। लेकिन ये दुख को कौन दूर कर सकते, ठाकुर कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम ईश्वर है। ईश्वर मतलब होता है जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते, इसलिए वो ईश्वर है। अगर आपके भाग्य में कहीं उल्टा पुलटा है, अगर भगवान की कीर्तन में ताली हो जाए, अगर रेखा कहीं देख लो मेरे तरफ जो भाई लोगों के लिए देखो, ये बीच वाली ये रेखा है, ये भाग्य रेखा है, आप स्वयं देख सकते हो ये रेखा, जिसको जितने बढ़िया होगा देखना उसका हर तरह से आप हलते पुलते रहोगे। माताओं के लिए ये बीच का जो रेखा है, अगर ये रेखा को पार कर, ऊपर रेखा को अगर पार कर लिया देख लेना, आप देखना तीन जगह सर्वत तुम्हारी जय जयकार होगी, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। अगर कहीं उल्टा पुलटा, कीर्तन से पहले देख लो, कीर्तन का बाद में देख लेना। आपको विश्वास होना है, आपको विश्वास हो रहे ये चीज में विश्वास होना बड़ा भाग्य की बात है, क्योंकि भगवान ही ऐसे एक व्यक्ति है, क्योंकि कितना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहे हैं और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, इसलिए भगवान ही जगत में ऐसे एक व्यक्ति है जो मरे हुए व्यक्ति को वही जिंदा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। इसलिए जो जितने जोर से ताली बजाओगे ना, क्या होगा, भाग्य रेखा तुम्हारी बदल जाएगी, ये पहला लाभ है। पहले जो रेखा होती है सब क्या होता है, ये रेखा किसकी होती है, अरे ये बीच वाली रेखा देखो, ये कोने नहीं तो बीच वाली रेखा है, हाँ तो वाले ये सब क्या होता है। और देखो इसकी दूसरा लाभ क्या है, ऋषि मुनियों ने जो जो भक्ति में जो नियम बताए ना, वो दो दृष्टिकोण से नियम बताए, एक में तो हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि तुम्हारे शरीर अच्छा नहीं हुआ तो भक्ति नहीं कर सकते, हेल्थ भी अच्छे रहे और तुम्हारी भाग्य भी अच्छा हो, दो दृष्टिकोण से बताए। कहते इसमें हेल्थ में क्या अच्छी है, आपको पता होगा एक आपको प्रेशर पता होगा, वो लोग हाथ से ही सारे बीमारी को सही करते हैं, हाथों से हर बीमारी को हाथ प्यार से सही करते हैं। लेकिन आप देखना जब ताली बजाओगे एक तरह का ये आंखों प्रेशर होता है, आप स्वयं देख लेना, अब एक मिनट केवल ताली बजा लो आप शरीर में एक नई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, ये नई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, एक मिनट ताली बजा कर देखना। क्योंकि सारे जो अब जो साइंस पढ़े हो देखना, जितने सब नस है वो हाथ और पैर से जुड़ा हुआ है, सारे शरीर का नस है, इसलिए कहते हैं साइंटिस्ट लोग कहते हैं ताली बजाने से जो नस खुल जाती है, जो जितने जोर से ताली बजाएंगे वो इतना इंटेलिजेंट बनेगा, इसका ब्रेन भी खुल जाते हैं, अब स्वयं ये चीज कर देना। इसलिए
ताली बजाने पर बहुत बहुत लाभ है, बहुत ही लाभ इसके अंदर में। इसलिए जो जितने जोर से ताली बजाओ उतना लाभ ही लाभ होगा। हाँ जोर से ताली बजाना। बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल रिसर्च करके देखा। कहते ना भगवान का नाम लेने से सब दुख दूर हो जाता है। देखो साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया है। बोले एक समय तीन ट्रे उन्होंने लिया, अब तीन ट्रे में जो साबुत जो मूंग दाल उसमें तीन ट्रे में डाल दिया और उसमें पानी डाल दिया और वो तीन ट्रे को तीन जगह पर रख लिया। एक जगह में तो वैसे खाली जगह पर रखा और एक जगह पर जो हरे कृष्ण महामंत्र को जो कैसेट चलती है एक जगह पर वहां रख लिया और एक जगह पर जो रक म्यूजिक जो गंदी गंदी म्यूजिक को पास में रख दिया। बोले देखते हैं क्या होता है। उन्होंने तीन दिन बाद में देखा जो साधारण जगह में जो ट्रे रखा था जो मूंग दाल उसमें थोड़ी सी उसमें अंकुर आया है और जहां पर ये हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था भगवान के नाम चल रहा था वहां पर दो गुना से ज्यादा उसमें अंकुर ज्यादा आया और जहां पर ये रक म्यूजिक चल रहा था देखा वहां पर अंकुर ही नहीं आया। वो अंकुर नहीं आया उसके अंदर में। किसी साइंटिस्ट ने ये चीज को रिसर्च करके देखा नहीं। सबसे मुझसे भगवान का नाम में बड़ा शांति है, भगवान का नाम में बड़ा आनंद। देखो तब शब्द ब्रह्म है क्योंकि भगवान का नाम साधारण नहीं। जैसे प्रभु जी का नाम अशोक है, अगर हम बोलेंगे प्रभु जी बहुत अच्छे बहुत बड़े दयालु हृदय हाँ, बड़े सज्जन आदमी है परोपकार करते हैं, ये खुश हो जाएगी नहीं? खुश हो जाते हैं ना? खुश हो जाते हैं ना? अगर थोड़ी सी हम किसी को गाली दे दे झट क्रोध हो जाते हैं। जब ये साधारण शब्द में इतनी शक्ति है फिर भगवान के नाम तो वो दिव्य है, भगवान का नाम तो दिव्य अपराकृत है, फिर उसमें क्या परिवर्तन नहीं है। इसलिए भगवान का नाम में बड़ा शक्ति है, ठाकुर जी के नाम में बड़ा शक्ति से ठाकुर जी का नाम है। इसलिए कहते राजा और जो रानी है या क्या क्या करते थे जब ज्यादा उनको पास में समय होता था भगवान के नाम जब क्या करते थे ठाकुर जी की नाम जब करते थे। एक समय एक ऋषि थे जिनका नाम था विभांड ऋषि। उन्होंने आकर के देखा देश का राजा रानी अगर हमारे पास में ज्यादा पैसा हो भले एक मंदिर बना देंगे खुद सेवा नहीं करेंगे कोई नौकर को रख लेंगे लेकिन राजा रानी अपना हाथों से ठाकुर को सेवा कर रहे हैं, सारे सेवा समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ठाकुर का नाम कीर्तन
राजा रामायण पढ़ते हैं, रानी बैठ कर कथा सुनती है, वो जो विभांड ऋषि थे बड़ा आश्चर्य उनको लगा। तो उन्होंने वो राजा रानी से पूछे, बोले आपका मति इतने प्रभु की प्रेम में लग गया कैसे, ये तो बड़े बड़े साधुओं का जीवन अभी दिखाई नहीं पड़ता है। उसने कहा बाबा अभी तक ये रहस्य मैं किसी को नहीं बताया, आप संतो हो इसलिए आज मैंने ये कथा आपको सुना था। बोले मैं चार जन्म की बात मुझे याद है, मैं जाति स्वर हूं। बोले चार जन्म की बात याद? बोले हाँ। बोले क्या याद है? बोले ये चार जन्म पहले मैं बहुत बड़ा दुष्ट था, अच्छे घर में तो जन्म लिया लेकिन सारे गंदा काम करता था, मेरे परिवार वाले दुखी होकर घर से मेरे को निकाल दिए। अरे मेरी जो रानी है ये पहले जन्म में इसका नाम थी काली, इसने अपना पति को ही हत्या उसने कर दी, इसकी परिवार वाले इनको भी घर से निकाल दिए। दोनों भ्रमण करते करते जंगल में हम इकट्ठे रहने लगे, जब हम वृद्ध हो गए हमसे और उपाल किसी तरह से खाना हम आहार को संग्रह नहीं कर पा रहे थे, बड़ी कष्ट से खाना हम आहार संग्रह कर रहे थे। एक दिन देखा हम जहाँ रहते थे उसको पास में श्री वशिष्ठ जी का आश्रम था, एक दिन देखा कुछ लोगों को वहां पर एकत्रित होते हुए, हमने कहा भैया आज यहाँ इतने लोग क्यों बैठे हैं, हम चल करके देखते हैं। हम जा करके सुना यहाँ पर वशिष्ठ जी के आश्रम पर 9 दिन तक ये कथा होगी, और जो व्यक्ति ये कथा सुनने के लिए आएंगे कथा को पास बाद में उनको प्रसाद भी मिलेगा। हमने सोचा भैया अभी तो 9 दिन के लिए खाना पीने की कोई चिंता ही नहीं, आओ कथा में बैठो, कथा के बाद में प्रसाद मिल जाएगा। केवल हम कथा की लोभ से वहां पर जाकर के हम 9 दिन तक कथा सुने। जब 9 दिन तक समाप्त तो हो गया, अभी हमारी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में हमने जब दूत ने पकड़ करके हम ले गए, और जब महाराज बोले इनकी जीवन को देखो, इनकी जीवन को देखो, तब चित्रगुप्त ने कहा महाराज जी ये तो दोनों ही बड़े दुष्ट थे लेकिन इनकी एक थोड़ी सी पुण्य है, ये वशिष्ठ जी के आश्रम पर प्रभु राम की कथा 9 दिन तक हो रही थी, इन्होंने प्रभु राम की कथा सुनी, उसको बाद में भगवान का प्रसाद पाए, जीवन में इतना ही केवल इनके पुण्य है। वो राजा कहते हैं बोले महाराज बाबा हमें पता नहीं था भगवान कथा की इतने महत्व है, और भगवान का प्रसाद पाने का इतने महत्व हमें पता ही नहीं था, जब उन्होंने इतनी सी बात सुनी हमारी जितने पाप को हमारा सामने उन्होंने काट दिए, सारे पाप को उन्होंने काट दिए, उन्होंने काट करके हम दोनों को उन्होंने भेज दिया, रमा वैकुंठ में हम दोनों को भेज दिया, वहां पर 7 साल तक सारे ऐश्वर्य को हमने भोग की, उसको बाद में फिर हमको भेज दिया ब्रह्मलोक में, वहां पर भी हमने 7 साल तक अथा ऐश्वर्य भोग की, उसको बाद में फिर हमको भेजते हैं ये स्वर्गलोक में, वहां पर भी अथा ऐश्वर्य को भोग किया, अभी 100 साल के लिए मरते जगत में राजा रानी बने, हमारा ठाड़ बाड़ तो देख ही रहे, हमें 4 जन्म की बात याद है। अगर हम अनजान में अगर कथा सुन करके भगवान की प्रसाद पात्र का अगर इतना पुण्य हो सकता है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी ये दुर्लभ जीवन को इधर उधर नहीं गवा करके भगवान का कीर्तन कथा उनकी सेवा उनके नाम में हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण कथा से पहले ये कथा की महत्व को बताते हैं, इसलिए यहाँ पर राधा रानी कहती है अगर कोई कथा को सुनेगा तो कहते श्रवण मंगलम, उसके जीवन में मंगल मंगल ही उसको जीवन में होगा। कहते कितना लाभ हो गया, अब मिल रहे कितना लाभ हो रहा है? 5 हो गए। उसका जो छठवां लाभ बताए बोले श्री, श्री मतलब होता है संपत्ति, श्री मतलब होता है शोभा संपत्ति ऐश्वर्य। कहते जो कथा सुनेगा उसका भी शोभा संपत्ति ऐश्वर्य भी घर में बढ़ेगी है। और जो सप्तम लाभ है बोले दा, दा मतलब होता है संसार का जो बंधन है ये संसार का बंधन भी हमारी समाप्त तो हो जाएगी। इसलिए श्री राधा रानी कहती है हे श्याम सुंदर जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है लेकिन ये भागवत कथा को जो दान करते हैं इससे बड़ा पुण्य जगत में कुछ नहीं। बोले भुरीदा जना, जगत में सबसे बड़ा दान है ये भागवत कथा को जो दान करते हैं।
इसलिए हमारे श्री अशोक प्रभु जी इनके परिवार वालों जो अपना घर में जो भागवत कथा जो दान कर रहे ना, ये राधा रानी कहती हैं इससे बड़ा दान विद्या में कुछ हो ही नहीं सकते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो फिर हम आगे की कथा सुने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। ये वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। कि वृंदावन मकरंद है रस की गारत रस पान, दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा सांब सुजान। तो आइए वृंदावन को कौन जाएंगे, सभी लोग जाएंगे घर पर। आइए सभी लोग ताली बजाते हुए नाचते कूदते हुए चलेंगे वृंदावन। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम